हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सभी का दोस्त जितेश वाधवानी। और एमएस एक्सेल सीरीज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन का यूज किस तरीके से किया जाता है, डेटा वैलिडेशन का यूज करके अपन ड्रॉप डाउन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए बस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये जो डेटा वैलिडेशन होता है ये एक्चुअली में होता क्या है। तो डेटा वैलिडेशन का मतलब ये रहता है कि जैसे जब हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक पूरे कोई कॉलम है, जैसे मान लीजिए ये कॉलम है, ठीक है ना, ये कॉलम है, इसमें मैंने क्लिक किया ये कॉलम, इस कॉलम के अंदर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही आए, कुछ मतलब जैसे इसमें नाम लिखे हुए, तो मैं दो तीन नाम चाहता हूँ केवल वही डिस्प्ले हो, तो वो मैं किस तरीके से इसमें लगा सकता हूँ। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन का, ठीक है। तो मैंने एक काम किया, सिलेक्ट कर लिया यहाँ से लेकर मान लीजिए यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, और ये जो खाली है इनके अंदर मैं कुछ भी टाइप करूँ तो जो मैं स्पेसिफिक वैल्यूज है वो चाहता हूँ वही है। तो देखते हैं इसको अपन कैसे करते हैं। तो ये अपन ने सिलेक्ट कर लिया, अब अपन जाएंगे डेटा पे, फिर अपन जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे, फिर क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन पे, ओके, ठीक है। अब ये अपन को डेटा वैलिडेशन का पूरा बॉक्स खुल जाता है। इसमें अपने को ये देखना है कि एनी वैल्यू, मतलब अभी कोई भी वैल्यू आ सकती है जो अपन ने सिलेक्ट किया है, होल नंबर, अगर अपन चाहते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम एक रेंज हो होल नंबर्स की, कि मान लीजिए 1 से लेकर 30 तक की नंबर्स आए तो वो अपन डाल सकते हैं, बट यहाँ पे अपन नंबर्स नहीं चाहते। इसी तरीके से अलग अलग चीजें जैसे डेसीमल, मतलब मिनिमम डेसीमल वैल्यू हो जैसे 30.6 से लेकर 40.9 तक आए तो यहाँ अपन डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली एक अपना बहुत अच्छा फीचर है जिसमें जो भी हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे उसी के बीच में यहाँ पे डिस्प्ले करेगा वो, ठीक है। और आपका हो गया लिस्ट, तो ये लिस्ट अपने काम की है ना। अपन मतलब कुछ नाम दे देंगे, जैसे अभी देख लीजिए मैं लिख लेता हूँ, पहला नाम क्या है इसमें, CHEVY, चेवी कॉमा, फिर एक नाम है फोर्ड, FORD, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस पूरी लिस्ट में केवल ये दोनों ही नाम आने चाहिए, चेवी और फोर्ड, तो ये मैंने यहाँ पे भर दिया। अच्छा, अगर इसके अलावा कुछ और आ जाए तो क्या होगा, तो मैं जाता हूँ एरर अलर्ट पे। अब इसमें तीन टाइप के एरर अलर्ट रहते हैं, स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन। तो स्टॉप का सिंबल होगा ये, वार्निंग का सिंबल होगा ये, और इन्फॉर्मेशन का सिंबल होगा ये, ठीक है। तो अगर कुछ और इसके अंदर एंटर हो गया इन तीनों के अलावा तो ये क्या करेगा, अपने को ये सिंबल शो करेगा। तो मैं चाहता हूँ मुझे इन्फॉर्मेशन का सिंबल शो हो और साथ साथ एरर मैसेज का डिस्प्ले हो, इट इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये दो नाम चेवी और फोर्ड अगर नहीं आते हैं इस लिस्ट में तो मुझे इन्फॉर्मेशन का इट्स नॉट वैलिड एरर शो होगा। चलिए इसको अपन कर देते हैं पूरी तरीके से, ओके, ठीक है। अब ट्राई करते हैं, यहाँ पे मैं गया, अच्छा यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी बना हुआ आ जाता है कि इन्हीं ड्रॉप डाउन से जो दो दो नाम लिए थे उनसे अपन चूज कर सकते हैं। जैसे मैं चेवी पे क्लिक किया, चेवी सिलेक्ट, अब मान लीजिए मैं कुछ और थर्ड पार्टी नेम लिखता हूँ, अपना ही नाम लिख लेता हूँ, JITESH, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन एरर शो कर दिया, इट्स नॉट वैलिड करके, ठीक है। तो इसे अपन कहते हैं अपना डेटा वैलिडेशन। अच्छा, इसमें एक चीज और रहती है, ये अपन ने पूरा सिलेक्ट किया कॉलम और इसमें मैं गया डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे आता है सर्कल द इनवैलिड डेटा। तो कई सारा डेटा अपना इनवैलिड है, अगर हम चाहते हैं कि वो सर्कल हो जाए तो इस पर अपन क्लिक करेंगे। तो देखो चेवी और फोर्ड के अलावा जो भी डेटा है वो अपने आप इनवैलिड, मतलब सर्कल में हो गया है, और इन सर्कल को हटाना तो बहुत सिंपल है, वापस जाओ क्लियर सर्कल वैलिडेशन डेटा। तो इस तरीके से ये सर्कल्स वापस से हट जाते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज रहती है, ज्यादा कुछ नहीं करना, जो भी कॉलम आप जहां तक चाहते हो उसे सिलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन में जाओ, ठीक है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे जाओ और जो भी आप इसमें सेटिंग्स करना चाहते हो, जो एरर मैसेज इसमें होना चाहते हो वो टाइप करो, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, ठीक है। अब एक तरीका और रहता है इसका, मान लो मैंने यहाँ पे नेम्स लिख लिए अलग से, एक लिस्ट बनाई, डेटा वैलिडेशन को यूज करने का एक तरीका रहता है, इसको किया कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, और इस बार मैं चाहता हूँ ये भी है कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, फिर इसको किया कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इन तीनों को एक नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया हमारा रिक्वायर्ड, REQUIRED, एंटर, ठीक है। तो अब जो ये रिक्वायर्ड नाम की लिस्ट बन चुकी है एमएस एक्सेल में, रिक्वायर्ड का मतलब क्या, ये तीन, क्योंकि मैंने इसको नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा सिलेक्ट किया अपन ने, ठीक है। अब अपन जाते हैं वापस से डेटा वैलिडेशन पे, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट।
इस बार लिस्ट क्या होगी, अपन मैनुअल देंगे, मतलब जो अपन ने लिस्ट क्रिएट करी है ना वो वाली देंगे। पहले अपन ने लिख करके दी थी, लिस्ट पे गए अपन, ठीक है, यहाँ पे गए और डेटा वैलिडेशन फोर्ड इन तीनों को सिलेक्ट किया, अपने आप उसमें आ गया रिक्वायर्ड, एंटर कर दिया। ठीक, तो ये रिक्वायर्ड लिस्ट अपन ने दे दी। इस रिक्वायर्ड का मतलब है ये तीनों ही नाम होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ड्रॉप डाउन बन के आ जाएंगे इन तीनों के। तो इस तरीके से भी हम डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। पहले से अपन अपनी लिस्ट बना लेंगे, उसको एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे और लिस्ट में जाकर के वही लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, तो इंडिविजुअल नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये था पूरा का पूरा डेटा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको डेटा वैलिडेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स है जो आप मुझसे करना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए सबके साथ, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।